स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल महाराजा मोटर MMW में। तो दोस्तों आज हम महिंद्रा XUV का रूफ लाइट रिपेयर करने वाले हैं। महिंद्रा XUV में 7 रूफ लाइट होता है जो आप देख पा रहे हैं। इन सारे रूफ लाइट को आज हम ऑन करके देखेंगे और जो लाइट नहीं जलता है उसे रिपेयर करके जलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए सबसे पहले इसके सारे रूफ लाइट हम ऑन करके देखते हैं। जो रूफ लाइट नहीं जलता है उसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें ये वाला लाइट नहीं जल रहा है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। इसको रिपेयर करने से पहले हम सारे रूफ लाइट को चेक कर लें पहले, उसके बाद हम इसे रिपेयर करेंगे। इसमें सिर्फ एक रूफ लाइट नहीं ऑन हुआ है, बाकी सारे लाइट ऑन है जो आप देख पा रहे हैं। तो आइए इसे रिपेयर करते हैं और इसे भी ऑन करके दिखाते हैं। सबसे पहले इस लाइट को हम बाहर निकालेंगे। इसे फेविक्विक से चिपकाया गया है, यानी इस पर पहले भी रिपेयर हो चुका है। तो आइए इसे प्रॉपर अच्छे से निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इस लाइट को खोलने के बाद सबसे पहले हम ब्रश से इसको सफाई करेंगे ताकि यह प्रॉपर अच्छे से साफ हो जाए और प्रॉपर तरीके से वर्क करे। इसका स्विच ब्लॉक हो गया है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे पेट्रोल या थिनर से हम फ्री करेंगे, उसके बाद देखते हैं यह काम करता है कि नहीं। अब यह स्विच फ्री हो गया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा क्योंकि इस रूफ का लॉक डैमेज हो गया है। अगर इस पर न्यू रूफ लाइट लगाते तब भी इसे चिपकाना पड़ता क्योंकि रूफ लाइट की जगह डैमेज हो गया है। तो इसको हम प्रॉपर अच्छे से चिपका लेंगे और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये लाइट जलने लगा, इसकी स्विच वाली प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब हम इसमें आपको सारे लाइट ऑन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।
इसी तरह के कार रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो महाराजा मोटर MMW।